डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लालवगी कमालपुर छोटेपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एलएमपी पाठ्यक्रम एलएमपी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में सिक्स सेमेस्टर के अंतर्गत लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स पेपर कोड के 603 पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल विस्तार से समझिए। मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के संरक्षण का विचार अटलांटिक चार्टर 1941 एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 में उठा था, जब संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मिले, तब विशेष रूप से लैटिन अमेरिकी राज्यों ने सम्मेलन में यह इच्छा व्यक्त की थी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल पर बहस की जाए। पैनामा ने इसे चार्टर के अंतर्गत शामिल करने की इच्छा की थी, किंतु पर्याप्त समय की कमी के कारण तथा महाशक्तियों का इस संबंध में रुचि न लेने के कारण अधिकारों की कोई निर्दिष्ट सूची नहीं तैयार की जा सकी। फिर भी कई सदस्यों द्वारा यह महसूस किया गया था कि मानव अधिकारों के विवरण की गणना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बाध्यता है। इसका परिणाम यह हुआ कि चार्टर में बहुत से ऐसे प्राविधानों को अंतर्विष्ट किया गया जो मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं की अभिवृष्टि हेतु सामान्य प्रकृति के हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मूल वर्ग लिंग भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना चार्टर के अनुच्छेद 55 मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन करना था। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल की तैयारी का निश्चय किया गया। महासभा ने इस सम्मेलन को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास मानव अधिकार आयोग द्वारा अध्ययन के लिए संदर्भित कर दिया। जनवरी 1947 को आयोग ने एक समिति नियुक्त की जिसे अधिकारों के बिल के प्रारूप को तैयार करने हेतु प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दी ड्राफ्ट ऑफ दी बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल के प्रारूप की तैयारी की प्रक्रिया का भी निर्धारण आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा किया गया। प्रारूप समिति ने अपने प्रथम सत्र में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार बिल का एक प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया, जिस पर मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 2 दिसंबर से 17 दिसंबर 1947 को आयोजित होने वाले अपने द्वितीय सत्र में विचार किया गया। फिर भी इसकी एवं अंतर वस्तुओं से भिन्नता होने के कारण आयोग ने एक ही सरल दस्तावेजों के दो स्वरूप को निश्चय किया, अर्थात एक ऐसे प्रारूप की घोषणा पर विचार किया जिसने मानवाधिकार के सामान्य सिद्धांतों की घोषणा सहित एक प्रारूप घोषणा तथा एक ऐसा प्रारूप अभी समय का भी निश्चय किया गया जो ऐसे भी निर्दिष्ट अधिकारों का अभी समय हो सकता है जो स्वयं में बाध्यकारी विविध प्रतिबद्धताओं को समाहित करते हैं। उपर्युक्त दो दस्तावेजों के साथ
क्रियान्वयन के प्रश्न पर एक ज्ञापन तैयार किया था। इन तीनों दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा, जिसे हम इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और संविदा, जिसे हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन ह्यूमन राइट्स तथा क्रियान्वयन के उपाय मेजर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। ये साथ साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स का निर्माण करेंगे। इन विषयों पर दस्तावेज तैयार करने के लिए आयोग ने तीन कार्यकारी समूह की स्थापना किया। कार्यकारी समूह की रिपोर्ट पर विचार करते हुए आयोग ने प्रारूप घोषणा पर विचार किया और कुछ कम विस्तार के साथ प्रारूप पर संविदा पर विचार किया, किंतु क्रियान्वयन की रिपोर्ट में अंतर्दृष्ट सिफारिशों तथा किसी विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर कोई कार्रवाई न करने का निश्चय किया गया। फिर भी इसने अपने कार्यकारी समूह की रिपोर्ट सरकार के पास उनकी टिप्पणी हेतु अभिसारित करने का भी निश्चय किया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक होने की घोषणा को 1948 में अंगीकार किया गया और 1966 में दो अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं को अंगीकार किया गया, जिसमें सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित दो प्रकार के अधिकारों को संविदाबद्ध किया गया था। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा में लागू हुए। बाद में महासभा ने सिविल एवं राजनीतिक अधिकार पर संविदा पर दो नवाचार अंगीकार किए। प्रथम 1966 में अंगीकार किया गया, जो 23 मार्च 1976 को लागू हुआ, और दूसरा 1989 में मृत्युदंड की समाप्ति पर आयोजित किया गया, जो जुलाई 11, 1991 को लागू हुआ। दिसंबर 10, 2008 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा पर भी एक अच्छी नवाचार बनाया गया। सार्वभौमिक घोषणा, दो अंतर्राष्ट्रीय संविदाएं एवं तीन अच्छी नयाचारों के साथ मिलकर मानवाधिकार के राष्ट्रीय बिल पर संसद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल में अंतर्विष्ट मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को 70 से अधिक मानवाधिकार संधियों में प्रकाश पर संधियों में प्रकाश डाला गया, जिनमें दासता, नरसंहार, मानवीय नीति, सामाजिक विकास, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहयोग, भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं शरणार्थियों एवं अल्पसंख्यकों की परास्थिति आदि सम्मिलित थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल मानव अधिकार के इतिहास में मील के पत्थर के समान है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने न्यायाधीशों के समय पर अपने निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल में अंतर्विश्व सिद्धांतों का अवलंबन किया। कई राज्यों ने राष्ट्रीय न्यायालयों में भी अपने निर्णयों में बिल में अपवर्णित सिद्धांतों को उद्भव किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। घोषणा के प्रारूप की तैयारी प्रारूप समिति द्वारा की गई थी, जिसकी नियुक्ति मानव अधिकार आयोग द्वारा सरकार से टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात की गई। समिति ने घोषणा के सम्मुख प्रारूप का इस ऐतिहासिक
जानू तैयार किया। आयोग ने अपने द्वितीय सत्र में जो जून 1948 में आयोजित किया गया था प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर बहस की और अंत में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक घोषणा अंगीकार किया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने बिना मतदान के एक संकल्प अंगीकार किया और उसे महासभा के समक्ष पेश किया। महासभा ने इसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से ज्ञात संकल्प के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकार किया। संकल्प अंगीकार करने के समय 8 राज्य अनुपस्थित थे। इसे बिना किसी नकारात्मक मत के या नकारात्मक मत से 48 मतों से स्वीकार किया गया। घोषणा को 10 दिसंबर को अंगीकार करने के कारण संपूर्ण विश्व इस तारीख को मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। घोषणा में उद्देशिका के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद शामिल भी हैं, पर मैं सार्वजनिक घोषणा की जो उद्देशिका है उस पर अपने विचार व्यक्त करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।